हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग? गाइस, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। देखने वाली राइट नाउ आपके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या चल रही है, उनकी लाइफ में क्या कुछ हो रहा है। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है व्यूवर्स। इस रीडिंग को आप कभी भी देख सकते हैं और जान सकते हैं आपके पर्सन की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं आपके जो पर्सन उनके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मदद करें, गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में राइट नाउ क्या कुछ चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मदद करें, गाइड करें मेरे व्यूवर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है प्लीज़ वो हमें बताएं। ओके, सो वी हैव इंटेंसिटी, मोरालिटी, सिंजोफेनिया एंड दी मिजर। बॉटम से मैं भी कार्ड एडजस्ट कर लेती हूँ, सोर्स, और यहाँ से आता है प्लेफुलनेस। ठीक है, अब आपको आई थिंक सारे कार्ड्स यहाँ पे क्लियरली विजिबल होंगे। मुझे कुछ और भी कार्ड्स लेने हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। इन कार्ड्स को डीपली क्लियरली क्लेरिफाई करें, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है प्लीज़ वो हमें बताएं। टू ऑफ पेंटिकल, वी हैव फूल, थ्री ऑफ सोर्ड एंड दी सेवन ऑफ पेंटिकल। ठीक है, बॉटम से यहाँ पे आता है वैंड्स। ओके, एंड दी पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो व्यूअर्स, आई थिंक सो आपको सब सारे कार्ड्स यहाँ पे क्लियरली विजिबल होंगे। ओके, सो व्यूअर्स देखो, आपके पार्टनर की लाइफ में ये एनर्जी गाइज मिलती है कि इनकी किसी को लेके या किसी भी चीज़ से, वो लिविंग या नॉन लिविंग कुछ भी हो सकता है, उससे आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस हो सकता है, लगाव हो सकता है, या फिर ये कहें कि ये कुछ चाहते थे कि इनको कुछ मिले। मतलब उस चाहत में इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत लंबा अरसा अपना बिता दिया, या आगे नहीं बढ़ पाए, कोई एक्शन नहीं ले पाए। एक्शन ले पाने में कहीं ना कहीं अपने आप को इनकैपेबल फील कर रहे थे, या फिर ये कह सकते व्यूअर्स कि इनको लग रहा था कि नहीं, जहाँ पर ये अपनी उम्मीदें लगा के चल रहे हैं, एक्सपेक्टेशन लगा के चल रहे हैं, वहाँ पर इनका काम बन ही जाएगा और इनको कहीं ना कहीं वो रिवॉर्ड, या फिर ये कह सकते हैं इनको वो मिलेगा। ठीक है, जो जिसको लेके ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, एक तरह का ड्रीम अपने आपके जो पर्सन वो सजा के चल रहे हैं। लेकिन ऐसी एनर्जी गाइज मिल रही है आफ्टर सो मैनी टाइम, मतलब कुछ मंथ हो सकता है गुजर जाने के बाद में, या कुछ ईयर्स गुजर जाने के बाद में, कहीं ना कहीं अब आपके पर्सन को ये आके अंदाज़ा होने लगा है, या फिर ये कहें कि ये चीज़ें आपके पर्सन को समझ में आने लगी हैं। दिस विल नॉट गोइंग टू वर्क, ये मेथड या ये पर्सन या फिर ये चीज़ें, कुछ भी ऐसा जो इनके लिए वो रिज़ल्ट इनको नहीं दे रहा है जो रिज़ल्ट इनको चाहिए। तो समवेयर व्यूवर्स ये स्टक थे कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के अंदर, ये आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, या ये कहें कि क्लियरली विज़न क्लियर आपके पर्सन का नहीं हो पा रहा था। ठीक है, आपके पर्सन ऐसा समझ रहे थे कि जो इन्होंने सोचा है वो उनको 100% अचीव होगा, लेकिन वो अचीव नहीं हो पाया। अब आके आपके पर्सन की लाइफ में ऐसा टाइम आके खड़ा हो गया जहाँ पर आपके पर्सन अपनी एक्सपेक्टेशन को टूटता हुआ देख रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि यार, मैंने अगर बहुत समय जो है वो अगर उम्मीदों में नहीं गुजारा होता, सिर्फ एक अपने आप में ही मैंने अपनी उम्मीदें नहीं बनाई हुई थी, और मैंने रियलिटी को देखा होता, रियलिटी को मैंने फेस किया होता, तो आज मैं अपनी लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ चुका होता, या फिर होती, और अपनी लाइफ को एक नए सिरे से रीस्टार्ट में अपनी लाइफ को कर चुकी होती, या फिर मैं उन चीज़ों को समझ पाती या समझ पाता कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो आज आपके पर्सन की लाइफ में व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है जिस लाइक कि इनका जो विज़न है वो क्लियर हो रहा है, साथ ही साथ इनकी आँखों पर चढ़ी हुई पट्टी किसी के मुँह की या किसी के मुँह माया की, जो भी हम कह सकते हैं, वो उतरती हुई नज़र आ रही है। इनको रियलिटी क्लियरली विजिबल होने लगी है, और इनको समझ में आने लगा है कि इनको आई लाइफ में आगे बढ़ के कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है। ये स्टक नहीं रह सकते, स्टक रहने की वजह से कहीं ना कहीं इनकी लाइफ भी ख़राब हो रही है, और इनका जो समय है वो भी कहीं ना कहीं ये ख़राब कर रहे हैं।
तो व्यूवर्स, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है ये इसी एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर निकल भी रहे हैं और बहुत ज़्यादा मतलब इनके मन में अब ये है एनर्जी, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे बॉटम यहाँ पे एक सोर्स की एनर्जी आती है जो सीधे सीधे एक बात की तरफ इशारा करती है कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में समथिंग इज़ अबाउट टू क्रिएट और समथिंग इज़ अबाउट टू टेक एक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने वाले हैं। इन्होंने ठान लिया है कि वो अपनी लाइफ में अब स्टक नहीं रहेंगे, स्टक रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो अपनी लाइफ को एक नया रूप या फिर एक नया स्वरूप यहाँ पे देने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मतलब एक तरह से अगर देखा जाए ना, व्यूअर्स, तो एनर्जी गाइस यही दिखा रही है कि समवेयर उनको रिजल्ट वो मिले ही नहीं। ठीक है, मतलब एक निराशा, एक हताशा जब हाथ लगी है तब इस पर्सन को कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो गया कि अगर ये एक भ्रम बना के नहीं रहते या फिर सोच समझ के अगर निर्णय लिए होते आपके पर्सन ने, रियलिटी को फेस कर रहा होता और रियलिटी को फेस करने की हिम्मत भी दिखाई होती, तो आज इनकी लाइफ में ये जो टाइम है वो नहीं आया होता। तो इस टाइम से उबरने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप ये देखें ना, कार्ड बिल्कुल सीक्वेंस में जा रहे हैं दोनों डेक से, टेन ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ सोर्ड की एनर्जी और यहाँ पे रिवर्स है। तो कुछ ये एनर्जी का ये दिखा रही है कि एक बहुत ही ज़्यादा डाउन टाइम से या फिर बहुत ही ज़्यादा एक रफ़ टाइम से आपके पर्सन यहाँ पे उस टाइम से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे खुद को एनर्जाइज करना, खुद में एक स्ट्रांगनेस लेके आना, इतना से कॉन्फिडेंट लेके आना और एक नई लाइफ को यहाँ पे स्टार्ट करने की, यानी कि कुछ नए रूप अपनी लाइफ को आपके पर्सन यहाँ पे देने की कोशिश करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं अब आपके पर्सन की आपको लेके क्या फीलिंग्स हैं। ठीक है, आपके पर्सन आपको लेके क्या सोचते हैं। ओके व्यूअर्स, सो लेट्स सी आपके पर्सन की आपको लेके राइट नाउ की करंट फीलिंग क्या है। ओके, सो वी हैव नाइन और एट, एट ऑफ सोर्ड और नाइन ऑफ सोर्ड। एस ऑफ पेंटिकल एंड दी सिक्स ऑफ पेंटिकल। ठीक है, बॉटम से हमारे पास आता है हैंगमैन और यहाँ से थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी आती है। ओके, देखो व्यूअर्स, आपके पर्सन आपसे वही बात कर रहे हैं कि यार मेरी लाइफ में एक ऐसा समय रहा है कि जिसमें मैं बहुत ज़्यादा स्टक रहा हूँ या फिर मेरी लाइफ में एक ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा था या कर नहीं पा रही थी। वही मैंने आपको पीछे दिखाया कि कोई एक्सपेक्टेशन थी किसी से, किसी न किसी से जुड़ी हुई थी, या उसे ग्रीड कह लो, एक्सपेक्टेशंस कह लो, या फिर जो भी कह लो, जिस भी तरह से आप देखो। लेकिन व्यूअर्स, इस पर्सन को ये आपके पर्सन कह रहे हैं कि यार उसी वजह से हमारा जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुआ, हम दोनों के बीच में दूरियां काफ़ी ज़्यादा बड़ी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई, हम दोनों में फासले क्रिएट होते चले गए। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो गई, हाँ मेरी आँखों पर पट्टी चढ़ी हुई थी, मैं कुछ देख नहीं पा रही थी या देख नहीं पा रहा था, और अपने आप को मैं इनकैपेबल भी फील कर रहा था या कर रही थी, जैसे कि मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा था। ठीक है, मैं कोई एक्शन लेने वाली स्थिति में थी ही नहीं या था ही नहीं, तो मैं कैसे एक्शन लेता। हाँ, ये कहीं ना कहीं मेरी वीकनेस भी इसे आप कह सकते हो, कमज़ोरी भी इसे आप कह सकते हो, जो भी आपके आपको आपका देखने का नज़रिया आप उसे वो कह सकते हो। ठीक है, लेकिन हाँ, ये रियलिटी फेस रहा है मेरी लाइफ का कि एक ऐसा फेस भी मेरी लाइफ में था कि मैं कुछ समझना चाहता नहीं था या समझ पा नहीं रहा था, या जो भी हालात मेरी लाइफ में थे वो मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे, आपकी तरफ नहीं बढ़ने दे रहे थे। ठीक है, और कुछ ऐसी भी हालात ऐसे क्रिएट हो गए थे हमारी लाइफ के अंदर कि मुझे आगे बढ़ना सही भी नहीं लग रहा था, कि मुझे लग रहा था कि आगे बढ़ूंगा या बढ़ती हूँ आपकी तरफ तो कहीं ना कहीं कुछ लॉस हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा। ठीक है, उस वजह से भी मैं कुछ आगे बढ़ नहीं पाया और मैंने आपसे दूरियाँ यहाँ पर बनाई, लेकिन कहीं ना कहीं उस वजह से जो मैंने हालात आपके साथ में यहाँ पर क्रिएट करे हैं या फिर जो भी आपके साथ में मैंने यहाँ पर किया, आज मुझे उसका पछतावा बहुत है, क्योंकि लाइफ में जो हालात सुधरने चाहिए थे या जो भी मैं सोच के चल रहा था ये चल रही थी, वो चीज़ें मेरी सॉल्व नहीं हो पाई और आज हालात ये हो गए हैं कि कहीं ना कहीं वो बद से बदतर हो गए हैं। ठीक है, मुझे आज बहुत ज़्यादा इस बात का अफसोस भी होता है और टेंशन भी होती है कि मैं जो भी हालात हम दोनों के बीच में क्रिएट हो गए मैं उसको कैसे सॉर्ट आउट करूँगा या करूँगी, या फिर
कहीं ना कहीं अब क्या हालात सही हो पाएंगे इस बात को लेके मुझे काफ़ी ज़्यादा टेंशन भी रहती है। हाँ, ये बात भी सही है कि मुझे समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं मतलब हर जगह एक अंधेरा सा ही नज़र आता है, कुछ होप नज़र नहीं आती। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में समय मेरा गुजर रहा है, ठीक है। आपको लेके भी जब भी मैं आपके बारे में सोचता हूँ या सोचती हूँ तो मुझे भी अच्छा से अंदर से भी अच्छा फील नहीं होता। एक तरह से भावना, मेरी जो अंदर की भावना है वो खुद मुझे, जैसे कहते हैं ना कचोटने वाली एनर्जी, तो कचोटती भी नज़र आती है। आपके पर्सनल व्यूवर्स आपसे ये भी कहते हैं कि मुझे आपके साथ में एक अपना भविष्य ज़रूर, मतलब मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि हमारा एक भविष्य हो जो आगे बढ़े, एक दूसरे के साथ में हम दोनों फिर से एक नई शुरुआत करें और वो शुरुआत कहीं ना कहीं काफ़ी आगे तक जाए। क्योंकि मैं अब आपको अपना जो वक्त है या टाइम है वो आपका भी मांगता हूँ और आपको अपना देना भी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भी आपकी ज़रूरत है। जितनी ज़रूरत आपको मेरी है उतनी ही मुझे भी आपकी है, क्योंकि इस टफ टाइम से बाहर निकलने के लिए मुझे भी आपके साथ की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। क्योंकि मुझे अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस मुझे चाहिए वो कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं लूज़ करता चला जा रहा हूँ। इवन दो मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ, एक नई शुरुआत यहाँ पे करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, क्योंकि मुझे भी ऐसी लाइफ नहीं चाहिए जहाँ पर मुझे सिर्फ दुख मिले या तकलीफ़ मिले या फिर कहीं ना कहीं मैं एक इनजस्टिस करता हुआ इंसान बन जाऊँ, ठीक है। तो व्यूवर्स, आपके पर्सन भी यहाँ पर कहीं ना कहीं खुद में बदलाव लेके आ रहे हैं, खुद की एनर्जी में बदलाव लेके आ रहे हैं या अपने स्टक जोन से बाहर निकलने के लिए कुछ एक्शन यहाँ पर करना चाहते हैं, जो उनके मन की बात यहाँ पर नज़र भी आ रही है। ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में एक तरह से बैलेंस क्रिएट हो। बैलेंस मतलब क्या होता है? इक्वल कंट्रीब्यूशन एक दूसरे को लेके इक्वल अंडरस्टैंडिंग, जितना आपने इस पर्सन के लिए किया है वो भी पर्सन भी आपको उतना ही रिटर्न में दे। तो ये व्यूअर्स इस पर्सन के मन में है, आपके पर्सन इसी बात को सोच के, ठीक है, कि इसी बात को सोच के कि क्या ये रिलेशनशिप हमारा फिर से ठीक हो पाएगा, क्या ये रिलेशनशिप हमारा जैसा मैंने अब सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ या फिर जैसा हमने वक्त पास्ट में बिताया है, क्या ये वक्त मुझे फिर से हासिल होगा? क्योंकि मैं एक्शन तो लेना चाहता हूँ, कुछ बंधन है जो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं उनको मैं तोड़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, उनसे मैं ओवरकम करना चाहता हूँ, लेकिन स्टिल वो मेरे लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। आप इस बात को मानो या ना मानो, क्योंकि जब इंसान अपने माइंड में खुद एक बैरियर क्रिएट कर लेता है तो उसे ओवरकम करना भी उसके लिए उतना ही डिफ़िकल्ट होता है। क्योंकि वो कहते हैं ना, मन के हारे हार और मन के जीते जीत, तो इंसान जो वो पहले खुद ही हार चुका है तो अब वो जीतने का यहाँ पे प्रयास कर रहा है। और व्यूअर्स, अगर हम देखें यहाँ पे तो एनर्जी का ये दिखा रही है, देखो जस्टिस और जजमेंट की एनर्जी है जो कि दिखा रही है कि एक तरह से एक इस पर्सन को एक रियलिटी चेक हो रहा है। इस पर्सन को अब ये बहुत ज़्यादा इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं नज़र आ रही है कि मतलब मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मेरे साथ में ये भी हो वो भी हो, मतलब हो सकता है भाई ये थर्ड पार्टी को भी रखना चाहते हो, आपको भी रखना चाहते हो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर इनके लिए थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा ही विजुलाइजेशन क्रिएट कर दिया हो कि भाई तुम्हें उस पर्सन के साथ में कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें मेरे साथ में बहुत कुछ मिलेगा। तो एक एक्सपेक्टेशन ही तो थी व्यूअर्स, है ना, कुछ और थोड़ा ना था। अब वो थर्ड पार्टी कह रही है कि यार मेरे साथ में तुम रहोगे ना, तुम्हारे साथ में तुम्हारे को ऐसी लाइफ मिलेगी या फिर तुम्हारी लाइफ ऐसी चेंज हो जाएगी, उस पर्सन ने तुम्हें दिया ही क्या, उसके साथ में तुम्हें मिला ही क्या, तुम मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें ये दूंगा, सपने दिखाती है, हवाओं में सपने बुन दिए, रियलिटी में कुछ था नहीं। तो इस पर्सन की व्यूअर्स वो जो रियलिटी है ना वो यहाँ पर इस पर्सन को समझ में आने लगी है, वही मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, अभी बताया था, है ना। तो ये पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे एक तरह के रियलिटी से ओवरकम कर रहे हैं, सत्य को जान रहे हैं, सत्य घटना के आधारित एनर्जी गाइज ये दिखा रही है कि ये जो पर्सन है अब इस कनेक्शन में मतलब थर्ड पार्टी कनेक्शन से ओवरकम कर रहे हैं, क्योंकि फ़ाइट कर रहे हैं यहाँ पर आपके पर्सन, ठीक है। अब जब ये इंसान फ़ाइट कर रहा है तो उसको वो बंधन वो खुद ही तोड़ने पड़ रहे हैं जो उसने खुद बनाए थे, ठीक है। इसीलिए व्यूवर्स इस पर्सन को लग रहा है क्या ये मतलब हो पाएगा, क्या ये जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिल पाएगा, इस चीज़ को लेकर लाखों सवाल इस पर्सन के मन में यहाँ पर नज़र भी आ रहे हैं। तो ये पर्सन व्यूवर्स आपको लेके आप समझ सकते हैं कि कितना मतलब एक तरह से देखा जाए डर में भी है कि ये जो रिश्ता जैसे पहले था क्या उनको वैसे मिल पाएगा, क्या उनका भाग्य चमक पाएगा, क्या उनको वो खुशियाँ नसीब हो पाएंगी जो इस पर्सन ने खुद ही कभी ठुकरा दी या इस पर्सन ने कभी उन पर ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इस पर्सन के माइंड में राइट नाउ चलती हुई नज़र आ रही है। आई होप सो आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी और आपको इस पर्सन के हालातों के बारे में पता चला होगा। तो यह है व्यूअर्स रीडिंग, अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं व्यूअर्स एक और न्यू रीडिंग के साथ में, टिल देन अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ओके, सो गॉड ब्लेस, ऑल द बेस्ट।